हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर मैथ्स क्लास लेसन नंबर 13, हाउ मैनी। टुडे इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू सॉल्व अवर वर्कशीट। क्वेश्चन नंबर 1 इज एट द फॉलोइंग। यहाँ नीचे जो सम दिए गए हैं उसे हमें क्या करना है, ऐड करना है। हमने एडिशन पहले भी सीखा है, पर यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि पहले हमने वन डिजिट सीखा है और अब हम क्या कर रहे हैं, टू डिजिट सीख रहे हैं। तो अवर फर्स्ट एग्जांपल इज 42 + 34। अब टू डिजिट एडिशन में सबसे पहले एडिशन स्टार्ट कहाँ से करना है, तो जैसे कि 4 + 3, तो क्या करेंगे, 4 + 3 पहले करेंगे कि 2 + 4 पहले करेंगे। तो जब भी हम 2 या मोर देन 1, 2, 3, 4, 5 कितने भी डिजिट का एडिशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वंस प्लेस से स्टार्ट करना है, हमें वंस प्लेस से स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले 2 + 4। अब हमें पता है अगर हमें प्लस करना है तो नीचे जो डिजिट है, नीचे जो नंबर है, उतनी फिंगर्स हमें, उतना नंबर हमें ऐड करना है, उतनी फिंगर्स ऐड करनी है। तो वी विल ओपन 4 फिंगर्स, सो वी हैव ओपन 4 फिंगर्स। ओके, विच नंबर इज अबोव 4? 2। तो क्या करेंगे, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, सो वी विल राइट हियर 6। नाउ 4 + 3, हाउ मैनी फिंगर्स विल बी ओपन, 3। तो 4 के बाद 5, 6, 7, सो वी विल राइट हियर 7, सो आंसर विल बी 76। नाउ अवर एग्जाम्पल नंबर 2 इज 72 + 14। तो क्या करेंगे, अभी हम वी विल स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस 2 and 4, हाउ मेनी फिंगर्स विल बी ओपन, 4। सो वी विल ओपन अवर 4 फिंगर्स, विच नंबर इज अबोव 4? 2। 4 के ऊपर क्या है, 2। तो क्या करेंगे, हम 2 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 3, 4, 5, 6, सो वी विल राइट हियर 6। नाउ 7 + 1, हाउ मेनी फिंगर्स विल बी ओपन, 1। सो ओपन 1 फिंगर्स, आफ्टर 7, 8, सो वी विल राइट हियर 86। लाइक दिस द थर्ड एग्जाम्पल इज 38 + 40। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 38 + 40, तो वी हैव टू एड 0 in 8। 8 में 0 को ऐड करना है। तो अगर हम किसी भी नंबर में 0 को ऐड करते हैं, मतलब कुछ भी नहीं, 0 मीन्स नथिंग, अगर कुछ भी ऐड नहीं करना है तो आंसर विल बी सेम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 8। अब 3 + 4, तो हाउ मेनी फिंगर्स विल बी ओपन, 4। यहाँ पे क्या है, 3। 3 के बाद 4, 5, 6, 7, सो वी विल राइट हियर 7, द आंसर विल बी 78। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 इज 51 + 34। अब क्या करेंगे, हम 1 में 4 ऐड करना है, तो वी विल ओपन अवर 4 फिंगर्स, अबो 4 देयर इज 1, तो 1 के बाद हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे, 1 के बाद 2, 3, 4, 5, सो वी विल राइट हियर 5। नाउ 5 + 3, सो वी विल ओपन अवर 3 फिंगर्स, ऊपर क्या है, 5, 5 के बाद 6, 7, 8, सो वी विल राइट हियर 8, द आंसर विल बी 85। इसी तरह से द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 25 + 34। 5 + 4 कहाँ से स्टार्ट करना है, वंस प्लेस से स्टार्ट करना है, तो 5 + 4, सो वी विल स्टार्ट काउंटिंग बाय ओपनिंग अवर 4 फिंगर्स। 4 फिंगर ओपन किया है हमने, उसके ऊपर 5 है, तो 5 के बाद हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 6, 7, 8, 9। 9 इज रिटर्न, देन वी हैव रिटर्न हियर 9, देन 2 + 3, 2 + 3, तो वी विल ओपन अवर 3 फिंगर्स, 2 इज रिटर्न, 2 के बाद 3, 4, 5, वी विल राइट हियर 5, द आंसर इज 59। नेक्स्ट इज 40 + 50, तो इसमें क्या करना है, 0 को 0 के साथ ऐड करना है। तो अगर हम 0 को 0 के साथ ऐड करते हैं तो आंसर फिर से क्या आ जाता है, 0, किस कुछ भी नहीं है, उसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो आंसर भी क्या आएगा, 0, 0, 0, 0। नाउ नेक्स्ट इज 4 + 5, वी विल ओपन अवर 5 फिंगर्स, उसमें क्या है, ऊपर 4, तो 4 के बाद अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो 5, 6, 7, 8 and 9, सो वी विल राइट हियर 9।
Now we will complete our 7, 8 and 9th example in homework. 7, 8 और 9 नंबर का जो example है वो आपको घर पे homework करना है. क्वेश्चन नंबर 2 इज सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग. नीचे जो सम दिए हुए हैं उसमें हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मतलब माइनस करना है. तो कैसे करेंगे, इसमें भी जैसे हमने एडिशन वंस प्लेस से स्टार्ट किया, इसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वंस प्लेस से. तो 0 माइनस 0, अगर 0 में से हम 0 माइनस कर रहे हैं तो अगेन द आंसर विल बी 0. नाउ 6 माइनस 4, अब यहाँ पे क्या करना है, माइनस 4 मतलब 4 को माइनस कर देना है, कट कर देना है. तो 4 फिंगर्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी 4 को माइनस करना है, कट करना है. तो हम क्या करेंगे, 4 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. तो 5, 6, हाउ मैनी फिंगर्स, 6. हमने 6 तक काउंटिंग क्यों की, क्योंकि ऊपर कौन सा नंबर लिखा हुआ है, 6. तो कितनी फिंगर्स हमारी आई, 1, 2. सो वी विल राइट हियर 2. द आंसर विल बी 20. नेक्स्ट इज 34 माइनस 21. तो अब क्या करना है, हमें 1 माइनस करना है, 1 माइनस करना है. तो 1 के बाद हम काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. तो 1 के बाद 2, 3, 4, हाउ मेनी फिंगर्स आर देयर, 1, 2, 3. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3, और यहाँ पे है 3 माइनस 2. 3 में से 2 को माइनस करना है. तो उसमें क्या करेंगे, हम 2 को कट करना है तो 2 तक काउंटिंग नहीं करेंगे. 2 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 3, क्योंकि ऊपर क्या है, 3. तो हम 3 तक ही काउंटिंग करेंगे. तो हाउ मेनी फिंगर्स वी हैव ओपन्ड, ओनली 1. सो वी विल राइट हियर 1. नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज 29 माइनस 13. यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू कट 3 फिंगर्स, वी हैव टू कट द नंबर 3, मतलब 3 तक हमें काउंटिंग करने की ज़रूरत नहीं है. तो हम 3 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. 3 के बाद क्या आएगा, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9. हाउ मेनी फिंगर्स वी हैव ओपन, 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो वी विल राइट हियर 6. नाउ विच नंबर वी हैव टू कट, वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 1. हमें क्या करना है, 1 कट करना है. तो हम 1 के बाद हमारी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. 1 के बाद क्या है, 2. ओनली 1 फिंगर इज देयर. सो वी विल राइट हियर 16. नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 इज 78 माइनस 24. इसमें क्या करना है, 8 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करना है. तो 4 के बाद हम हमारी काउंटिंग स्टार्ट करेंगे. तो 4 के बाद क्या आएगा, 5, 6, 7, 8. हाउ मेनी फिंगर्स, 4. सो वी विल राइट हियर 4. और यहाँ पे 7 माइनस 2, तो 2 के बाद अगर हम फिंगर्स काउंट करेंगे तो 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ पे 7 है तो हमारा 7 आ गया. तो हाउ मेनी फिंगर्स, 1, 2, 3, 4, 5. सो वी विल राइट हियर 5. लाइक दिस 53 माइनस 12. तो 3 में से 2 को माइनस करना है तो 2 तक काउंटिंग नहीं करनी है. 2 के बाद क्या आएगा, 3. यहाँ पे भी 3 है तो हमने कितनी फिंगर्स ओपन की, ओनली 1. सो वी विल राइट हियर 1. इसी तरह से 55 माइनस 1. तो 1 हमें माइनस करना है, 1 फिंगर ओपन करने की ज़रूरत नहीं है. तो 1 के बाद 2, 3, 4, 5. तो कितनी फिंगर्स हमारी बाहर आई, 4. सो वी विल राइट हियर 4. नाउ नेक्स्ट इज 78 माइनस 34. इसी तरह से हम अगर 4 के बाद काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 के बाद 5, 6, 7, 8. तो वी विल राइट हियर 4. और 3 के बाद 7, तो 3 के बाद 4, 5, 6, 7. तो हाउ मेनी फिंगर्स, 4. तो आंसर विल बी 44. लाइक दिस वी विल कंप्लीट एग्जाम्पल नंबर 7, 8 एंड 9 एट होम. इट इज़ होमवर्क फॉर यू. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज सॉल्व द फॉलोइंग. यहाँ कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, वो हमें सॉल्व करने हैं. तो 1 नंबर इज वीरेंद्र हैड 17 रुपीज़. वीरेंद्र के पास कितने रुपीज़ हैं, 17.
ही परचेस्ड अ बुक ऑफ 10 रुपीज़। कितने रुपीज़ की बुक परचेज कर रहा है? 10 रुपीज़ की, मतलब 10 रुपीज़ की बुक वो परचेज कर रहा है, खरीद रहा है। फ्रॉम इट हाउ मैनी रुपीज़ आर लेफ्ट विथ हिम नाउ, तो बाकी उसके पास कितने पैसे लेफ्ट हो रहे हैं, कितने रुपीज़ लेफ्ट हो रहे हैं, लेफ्ट मतलब बच रहे हैं। तो जब कोई भी चीज़ कब बचती है, जब हम उसमें से कुछ निकालते हैं, मतलब कुछ माइनस करते हैं, तब जाके उसमें से कुछ बचता है, दैट इज़ लेफ्ट। दैट मीन्स कभी भी लेफ्ट आता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है वीरेंद्र हैड 17 रुपीज़, तो हम यहाँ लिखेंगे 17। ही परचेज्ड अ बुक ऑफ 10 रुपीज़, तो हम यहाँ लिखेंगे 10। अब क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट है तो माइनस करना पड़ेगा। अब 7 में से अगर हम 0 माइनस करते हैं तो 7 माइनस 0 वापस 7, 1 में से 1 माइनस कर देंगे तो 0। अब ये 7 क्या है, रुपीज़, 7 क्या है, रुपीज़, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, रुपीज़। नाउ एग्जाम्पल नंबर 2 इज उषा हैड 19 चॉक्स, उषा के पास कितने चॉक्स हैं, 19। हेतल गेव हर 20 चॉक्स, हेतल उसे कितने चॉक्स देती है, 20 चॉक्स और भी देती है। हाउ मैनी चॉक्स डज उषा हैव नाउ, तो अब उषा के पास कितने चॉक्स होंगे, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास पहले से ही कोई चीज़ है, कोई दूसरा हमें और भी देता है तो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब दोनों का क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस करना पड़ेगा। तो कैसे लिखेंगे, पहले 19 है तो वी विल राइट हियर 19, उसके बाद हेतल गेव हर 20, तो यहाँ पे हम 20 लिखेंगे, फिर दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है, प्लस करना है। तो अगर 9 में 0 ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9, और 1 प्लस 2, तो 1 के बाद 2 ऐड करना है, मतलब 2 फिंगर्स हमने ओपन की, ऊपर क्या है 1, तो 1 के बाद 2, 3, सो वी विल राइट हियर 3। 39, 39 क्या है, चॉक्स, सो वी विल राइट हियर चॉक्स। नाउ एग्जाम्पल नंबर 3 इज देयर वर 16 स्पैरोस ऑन अ ट्री, ट्री पे कितने स्पैरो बैठे थे, 16। 12 अदर स्पैरोस कम ऑन दिस ट्री, 12 अदर, अदर मतलब दूसरे, अब दूसरे 12 स्पैरोस आके वो ट्री पे बैठते हैं। नाउ हाउ मैनी स्पैरोस आर देयर ऑन दिस ट्री, तो अब उस ट्री पे कितने होंगे, अब देखो 16 पहले ही बैठे थे, 12 दूसरे भी आ जाते हैं, मतलब दूसरी चीज़ और आती है तो क्या करना पड़ता है हमको, एडिशन। तो कैसे लिखेंगे, 16 उसके बाद 12, और दोनों को क्या करना है, एडिशन, तो प्लस, अब 6 प्लस 2, तो क्या करना पड़ेगा, 2 फिंगर्स ओपन करनी पड़ेगी, उसके पहले क्या है 6, तो 6 7 8, सो वी विल राइट हियर 8। अब 1 प्लस 1, तो 1 ओपन करेंगे, ऊपर क्या है 1, 1 के बाद 2, सो वी विल राइट हियर 2। 28 क्या है, स्पैरोस, वी विल राइट हियर स्पैरोस, SPARROWS, स्पैरोस। 28 स्पैरोस आर देयर ऑन दिस ट्री। नाउ एग्जाम्पल नंबर 4 इज प्रिया हैड 29 बॉल पेन्स, प्रिया के पास 29 बॉल पेन्स थे। शी गेव 15 बॉल पेन्स टू निमा फ्रॉम इट, उसमें से उसने निमा को 15 बॉल पेन्स दिए, अपनी जो 29 बॉल पेन्स थी उसमें से 15 बॉल पेन्स उसने निमा को दिए। हाउ मैनी बॉल पेन्स आर लेफ्ट विथ प्रिया नाउ, तो अभी प्रिया के पास कितनी बॉल पेन्स बाकी बच रही है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बाकी बच रही है, मतलब मैंने पहले भी बताया था कि अगर कहीं लेफ्ट आता है, मतलब कुछ बच रहा है, तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इसी तरह से ही इसमें भी क्या होगा, माइनस होगा, सबसे पहले 29 है तो वी विल राइट हियर 29, उसमें से 15 बॉल पेन्स वो निमा को दे रही है तो हम 15 लिखेंगे, माइनस करेंगे। अब 9 माइनस 5, तो 5 हमें कट करना है, तो हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 5 के बाद, 6 7 8
9. How many fingers? 1, 2, 3, 4. So we will write here 4. Then 2 minus 1. अगर 2 में से 1 हम माइनस करेंगे तो वापस हमारे पास बचेगा 1. 14. 14 क्या है? बॉल पेंस. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 14 बॉल पेंस. Now question number 4 is multiply. अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसे हमें मल्टीप्लाई करना है, मतलब वी हैव टू यूज दी टेबल्स. अब देखो कैसे करना है. 5, 6 जा तो हमें 5 की टेबल बोलनी है. कहाँ तक? 6 तक. जैसे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 30. इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? 2 into 4. इसको हम इंटू भी बोल सकते हैं. जैसे हम 2 4 जा बोल रहे थे, इसी तरह हम ये जो मल्टीप्लाई का सिंबल है उसे हम इंटू भी बोल सकते हैं. तो 2 की टेबल 4 तक हमें बोलनी है. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8. नाउ 3 into 4. तो 3 की टेबल हम कहाँ तक बोलेंगे? 4 तक. 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12. नाउ 2 9 जा, 2 की टेबल 9 तक बोलेंगे. 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18. इसी तरह से 4 6 जा 24. यहाँ पे 5 एग्जाम्पल्स मैंने कंप्लीट किए हैं और ये जो 5 दूसरे एग्जाम्पल्स हैं दैट यू हैव टू कंप्लीट, वो आपको कंप्लीट करने हैं. तो यहाँ पे जो ये हमारा चैप्टर होता है वो क्या हो रहा है? पूरा चैप्टर कंप्लीट हो रहा है. आपको ये PDF नोटबुक में लिखना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है. ओके, थैंक यू.